आज हम बनाने जा रहे हैं वेज सूजी ऑमलेट। इसके लिए हमें चाहिए सूजी, कटी हुई प्याज, कद्दूकस किया हुआ गाजर, दही, कॉर्न और छोटी कटी हुई बीन्स और शिमला मिर्च। और इसके साथ हमें चाहिए कटा हुआ हरा धनिया, नमक, बटर, चिली फ्लेक्स और इनो। अब हम बनाएंगे वेज सूजी ऑमलेट का बैटर। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ी कटोरी सूजी, एक छोटी कटोरी दही, एक छोटा चम्मच नमक। इसको हमें मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूं 3/4 कप पानी। इसको भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस बैटर में मिलाएंगे कुछ सब्जियां, एक कटोरी कटी हुई प्याज, एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ गाजर, एक कटोरी कॉर्न, एक कटोरी कटी हुई बीन्स, एक कटोरी शिमला मिर्च कटी हुई, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सब चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमारा बैटर सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ एक छोटा चम्मच इनो। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। अब दोबारा से मैं इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब ये हमारा ऑमलेट का बैटर तैयार हो चुका है। हमारी पैन अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल, 3 मिनट के लिए हमें सेकने के लिए इसको सिम आंच पे रखना है। 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा ऑमलेट एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी तरफ सिकने के लिए रख देंगे। हमारा ऑमलेट दोनों तरफ से सिक चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे एक अच्छी सी स्लिट। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये रेडी हो चुका हमारा ऑमलेट।